Hare Krishna, everyone. Welcome to our show, Tax Talk with CA Himanshu Garg. Here, we are going to discuss about how you can check that your TDS has been deposited or not. Welcome, CA Himanshu Garg. Let's start the session. Thank you, Sumit ji. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ये बताऊंगा कि जो आपका टीडीएस कटा है वो आपका कहाँ डिपॉजिट होता है, वो आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा इनकम टैक्स साइट पे जाकर। एक्चुअल में अगर सामने वाले ने आपका टीडीएस काटा है तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपका फॉर्म 26AS के अंदर शो होना चाहिए। अगर वो आपका शो नहीं हो पा रहा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग आपका टीडीएस तो काट लेते हैं और आपको बोगस सर्टिफिकेट बना के इशू कर देते हैं, लेकिन वो आपका एक्चुअल में टीडीएस जमा कराते नहीं है। तो आज हम इनकम टैक्स की साइट पे जाकर लाइव डेमो देखेंगे कि आपका टीडीएस कहाँ शो होता है। तो आप भी इनकम टैक्स की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस जो सामने वाले ने पेमेंट करते टाइम आपका टीडीएस जो काटा है वो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले ले चलता हूँ इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ पे लॉग इन हेयर पे क्लिक करके आप वैलेट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आपकी आईडी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ पे जाके क्लिक करना होगा और आपकी आईडी बनानी होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मेरी आईडी बनी हुई है तो हमने लॉगिन हेयर किया, यहाँ पे हमने डाला पैन नंबर एज ए यूजर नेम। डालते अपन कैप्चा, Q44G64Q44G। ओके, अब हम आगे इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, यहाँ पे जो माई अकाउंट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पे जाके हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये हमें डायरेक्ट ट्रेसेस की साइट पर ले जाता है। एक्चुअली में जो हमारा टीडीएस कटता है वो ट्रेसेस की साइट पर शो होता है, तो हम इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लॉगिन करके हम डायरेक्ट अपन ट्रेसेस की साइट पर जा सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक किया, प्रोसीड किया, अब जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें जिस भी साल का हमें अपना टीडीएस चेक करना है हम यहाँ पे असेसमेंट डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे करना है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 21-22, तो हमने इस पर क्लिक किया, व्यू एज में गए, यहाँ पर हमने टेक्स्ट पे क्लिक HTML पे क्लिक किया और व्यू और डाउनलोड। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF कर लेंगे तो हमारा जो फॉर्म 26AS है डाउनलोड एक्सपोर्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो गया। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म 26AS है, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब देखिए, अब जैसे मेरा यहाँ पे TDS कटा है 600 rupees, तो वो यहाँ पे अब शो हो गया है मेरे यहाँ पे आके, और एक्चुअली मेरा TDS 600 rupees ही कटा था तो वो मेरे यहाँ पे शो हो गया है। तो मैं यहाँ पे आके चेक कर सकता हूँ कि मेरा TDS जो कटा था वो जमा हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे हम अपना जो TDS कटा है उसे चेक कर सकते हैं। और काटा कितने पे था उसका अमाउंट भी आ रहा है, जो सामने वाले ने मुझे पेमेंट किया था उसके ऊपर उसने कितना TDS काटा था, ये दोनों शो हो रहे हैं। अब हम 600 rupees ही TDS को क्लेम कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने अगर मेरा 1200 rupees TDS काटा है और वो यहाँ पे 600 rupees ही शो कर रहा है तो हम 1200 rupees क्लेम नहीं कर सकते, हम 600 rupees ही क्लेम कर पाएंगे। अगर हम 1200 rupees क्लेम कर लेते हैं तो बाद में रिटर्न फाइल होने के बाद जो प्रोसेस होगी तो वो आपका मिसमैच दिखा देगा TDS और आपको इंटीमेशन आएगी, वो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी कर देगा यहाँ पे। थैंक यू सीए हिमांशु गर्ग। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि हिमांशु गर्ग ने हमें बताया कि किस प्रकार से आपको TDS जो कि आपका डिपॉजिट किया गया है या नहीं, आप सिंपली इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के और चेक कर सकते हैं। और आपको क्लेम करने से पहले ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपको कितना अमाउंट क्लेम करना है। तो इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और हम इसी के साथ
सीए हिमांशु गर्ग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ में निकाला और व्यूअर्स को उनके कंफ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की। हरे कृष्णा।